कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोन। तो अगर आप एंटरप्रेनर है या आगे एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं या अगर आप एक एम्प्लॉई है तो इस वीडियो में मैं आपको ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो क्या है ये ओनली टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो किस तरह काम करता है और आपके गोल्स के हिसाब से, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो आपके लाइफ में, तो किस टाइप का बिजनेस आपके लिए बेहतर होगा और किस टाइप का बिजनेस का आउटकम किस तरह है, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड में आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का बिजनेस आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल तरीके से एक ड्राइंग किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक ग्रीन या ग्रीन में मैंने एक ड्राइंग किया है, ये आप समझ लीजिए ये आप है। और यहाँ एक्स एक्सिस में ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये यहाँ आप देख सकते हैं टाइम आगे जा रहा है। और वाई एक्सिस मनी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यम प्लस मतलब आपका पैसा ज़्यादा हो रहे हैं और यम माइनस मतलब आपके पैसे कम हो रहे हैं। और यहाँ इस ग्रे लाइन ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके विजिबल एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो इसको देखकर आप पिक कर सकते हैं। और यहाँ रेड लाइन आप देख सकते हैं, 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो पहला आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी पॉजिटिव में है, मतलब आप पैसा कर रहे हैं। और दूसरा भी मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा टाइप्स ऑफ बिजनेस में आप मतलब आपका पैसा खो रहे हैं। और ये जो लाइट ब्लू लाइन ये मिनिमम एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली मिनिमम एक्सपेंसेस मतलब आपके लाइफस्टाइल आपके एज के हिसाब से डिफरेंट होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं डाला है। तो ये ब्लू लाइन मिनिमम एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसको मतलब इतना तो पैसा आपको कमाना ही है चाहिए आपका एक्सपेंस कवर करने के लिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तीन मेथड से मतलब आपको एक ही टाइप ऑफ बिजनेस चुनना है हमेशा। आप स्टार्टिंग पे मतलब 2 या 3 आप एक ही बार नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ बिजनेस चुनना है। तो आप मन में चुन के रखिए और जब मैं बाद में आपको आउटकम बताऊंगा जिस टाइप ऑफ बिजनेस को आपने पिक किया था वो आपके गोल्स के हिसाब से वो सही था या आप गलत थे वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पहला टाइप ऑफ बिजनेस ये जॉबर्स का बिजनेस रिप्रेजेंट करता है, तो एम्प्लॉयज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैं जे लिख देता हूँ ताकि आप समझ आ सकें। तो आप पूछ सकते हैं एम्प्लॉई कैसा एक बिजनेस बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो एम्प्लॉई भी एक बिजनेसमैन ही है, मतलब वो एम्प्लॉई जिस कंपनी में वो काम करता है तो उस कंपनी के लिए वो अपना टाइम बेच रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। तो अगर आप एवरेज सैलरी की बात करें तो इंडिया में तो 25,000 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 घंटे के लिए 83 रुपीज़ होता है। तो इस टाइप का बिजनेस का आउटकम हमेशा मतलब स्टैग्नेंट रहता है, तो इस तरह जाता है, मतलब ड्रास्टिक कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को नहीं मिलता है यहाँ। और जो भी चेंजेस होता है उसके लिए बहुत ही टाइम लगता है। तो आप मतलब आपको पता ही होगा क्योंकि अगर आपको इंक्रीमेंट होता है तो 5-10 साल तो लगेगा ही। अगर आपको बड़ा पोजीशन में जाना है तो आपको मतलब बहुत ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको आपका ग्रोथ के लिए आपको कम्प्लीटली आपके कंपनी ऊपर ही आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर आप मतलब कोई भी डिजास्टर हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि मतलब क्वारंटीन हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो कहीं सारा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और वर्क फ्रॉम होम दिया है, सैलरी कट दिया है, तो मिनिमम एक्सपेंस भी उनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मतलब इवेंचुअली जैसा मतलब आपका एज बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जो पॉजिटिव में था वो नीचे गिरेगा आपका और किसी पॉइंट पे 0 पे भी जा सकता है। तो मैं आपको मतलब सिर्फ ये बिजनेस का टाइप के मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग मतलब जॉब के साथ इस साइड हसल भी करते हैं तो उसके बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस पहले टाइप ऑफ बिजनेस का आउटकम मैंने आपको बताया है। तो दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस आप साइड हसल भी कर सकते हैं, तो ये सच एग्जाम्पल आप यूट्यूब ले दे सकते हैं और कई सारा ऑफलाइन मेथड्स भी है जिससे आपको मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पर आपका ग्रोथ भी मतलब बहुत ही स्लो रहता है। तो कहीं बार मतलब ऐसा साइड असल में आपका मिनिमम एक्सपेंस भी आप कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब यूट्यूब में अगर आपके पास 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं है और आपका व्यूज़ ज़्यादा नहीं है तो आप मतलब आपका मिनिमम एक्सपेंस भी आपको कवर करना बहुत ही मुश्किल है यूट्यूब से। पर ये एक तरह आप साइड में भी कर सकते हैं, एक हॉबी की तरह आप कर सकते हैं। तो इसका ग्रोथ हमेशा इस तरह जाके मतलब स्टैग्नेंट हो जाता है और उसके ऊपर आप मतलब आप चाहे कुछ भी कर ले ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से ये भी मतलब पहले टाइप ऑफ बिजनेस की तरह गिरता जाएगा, तो ये दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस है और इवेंचुअली 0 पे भी जा सकते हैं अगर आप फुल्ली डिपेंड है साइड हसल में। और तीसरा बिजनेस है मतलब ये आप रियल बिजनेस भी आप कर सकते हैं, टिपिकली हम इसको रियल बिजनेस को मानते हैं, जैसे कि मतलब अमेजोन FBA हुआ, रियल एस्टेट हुआ, SaaS हुआ, तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब आप पैसा खो रहे हैं।
पर आपको एक पॉइंट आएगा जब आप प्रॉफिट करने लगेंगे, तो उसमें आपको एक टर्न देखने को मिलता है, तो उसके बाद आप अपने बिजनेस को किसी के पॉइंट मतलब किसी भी हाइट तक आप ले जा सकते हैं। आपने भी कहीं सारा मतलब एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, मतलब अगर मैं अमेजोन का सीईओ जेफ बेजोस की बात करता हूँ तो उन्होंने भी कई सालों तक वो प्रॉफिट ही नहीं कर रहे थे, पर अभी आप देख रहे हैं कि उनका बिजनेस कितना ऊपर तक उन्होंने ले गया है। तो उसी तरह मतलब अपने हमारे नज़दीक में भी आप देख सकते हैं कई सारे लोग मतलब तो इस टाइप ऑफ बिजनेस को चूज़ करके तो उन्होंने मतलब कई सारा अचीवमेंट्स अचीव किया है, उनका गोल्स अचीव किया है। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका गोल्स हाई है, मतलब आपको बड़े बड़े कार में घर में रहना है, मतलब आपका मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो भी आपका गोल्स अगर बड़े हैं तो इस दो मेथड से आप अचीव नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये तीसरा टाइप ही आपको चुनना पड़ेगा। पर इस पहले टाइप ऑफ बिजनेस से आप अपना मिनिमम एक्सपेंस कवर कर सकते हैं बस, पर आपके गोल्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आप में से कई सारे लोग इस पहले टाइप ऑफ बिजनेस में आप रह रहे हैं, आप एम्प्लॉई है, आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो आपको पता ही होगा हमेशा मतलब इस वे में जो लोग जा रहे हैं तो इन लोगों को मतलब हमेशा वो लालची कहते हैं और मतलब ग्रीडी कहते हैं। तो ये बहुत ही मजाक है, मतलब एक मजाक की तरह है, क्योंकि अगर आप बिगिनिंग में जाते हैं तो ये लोग लालची हैं, मतलब ग्रीडी है, तो अगर इन लोगों से कंपेयर करते हैं तो ये लोग मतलब गिव अप करने के लिए रेडी थे उनके पैसा, क्योंकि इस गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये लोग उनको ये इस टाइप ऑफ बिजनेस को चूज़ करने के लिए रेडी नहीं थे वो सैक्रिफाइस करने के लिए, और उन्होंने इस इजी मेथड को चुना है, और अब इनको कह रहे हैं कि ये लालची है और ये ग्रीडी है। तो ये मतलब ओपिनियन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप इस टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और आपको स्विच ऑन करना है तो मतलब ये सही टाइम है एक्चुअली। अभी क्वारंटीन जो चल रहा है, लॉकडाउन है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप सीख कर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मतलब अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी नहीं है, तो मेरा अगर आप पूछते हैं तो मैंने अमेजोन एफ बी ए किया था, उसके लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने मतलब जब मैं कॉलेज पे था, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसके हिसाब से उस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर पाया, तो मैं साइड हसल में कर रहा था, तो उसको मैंने मुझे पता चला कि उसको मैं यहाँ तक मैं रीच नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैंने स्विच ऑन किया और इस टाइप ऑफ बिजनेस में मैंने मैंने कूदा, क्योंकि मैं इसके बारे में मैं पढ़ लिया था, तो इस टॉपिक के बारे में मैंने कई सारा बुक में भी पढ़ा था, तो इसीलिए मुझे पता था कि मुझे इस टाइप ऑफ बिजनेस ही करना है मेरे गोल्स अचीव करने के लिए। और ये जो सेकेंड पॉइंट है जो साइड हसल का, तो ये अब एक एक पॉइंट पर इस दोनों बिजनेस के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई है तो भी आप साइड हसल कर सकते हैं, और अगर आप सक्सेसफुली एक बिजनेस चल रहा है तो भी आप साइड हसल कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरा कंपेयर करते हैं तो मैं अभी मेरा यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मेरा अमेजोन एफ बी ए का बिजनेस भी चल रहा हूँ, पर यूट्यूब में मेरा अभी भी कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, पर मैं स्लोली मतलब इसके लिए ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मेरा कोई लॉस भी नहीं हो रहा है यूट्यूब वीडियो करने से। मैं अपना फ्री टाइम में मैं एक हॉबी की तरह यूट्यूब वीडियोस कर रहा हूँ। तो इसको आप एक पॉइंट पर आप आपके जो भी टाइप ऑफ बिजनेस आप कर रहे हैं उस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ साइड हसल को कई सारा है, यूट्यूब ही नहीं मतलब कई सारा चीज़ है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हुआ, और एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास मतलब 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स नहीं है तो उसमें आपको मतलब मिनिमम एक्सपेंस करना ही बहुत ही मुश्किल होगा। तो कई सारा यूट्यूबर्स कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप इमीडिएटली आप अर्निंग कर सकते हैं, पर वैसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग एक एक्चुअल बिजनेस भी नहीं है। तो मैं हमेशा मतलब एक्चुअल बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता हूँ मेरा मेजर अर्निंग और गोल्स अचीव करने के लिए, और उसमें ई कॉमर्स जो अमेजोन एफ बी है वो एक है। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा 3 टाइप ऑफ बिजनेस आप कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी अलग टाइप ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इस तीनों में ही आपको चुनना है। और मेजर है दो ही है, एक है जॉबर्स का और एक है रियल है बिजनेस, जो जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपके गोल्स के हिसाब से आपको चुनना है। तो जैसे मैंने यहाँ आउटकम आपको दिखाया है, तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप ऑफ बिजनेस आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आपको अमेजोन एफ बी ए करना है तो मैंने 3 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। एक अमेजोन एफ बी ए और दूसरा लीगल एंड टैक्सेशन, और तीसरा माइंडसेट जो मैंने आज का एक वीडियो बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट पे हो जाएगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब माइंडसेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा मतलब आपका सक्सेस हमेशा 80% माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है और 20% आपके एक्शन के ऊपर। तो इसीलिए मैं हमेशा कुछ बीच बीच में माइंडसेट का वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर।
और अगर आपको मतलब सीरियस है आप अमेजोन एफ बी ए प्राइवेट लेबलिंग पे और आपको कोई चांसेस नहीं लेना है और हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको मतलब 50+ प्रीमियम कंटेंट मिलेगा और मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। तो बस इतना ही दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।